एकादश के सभी बच्चों का व्यावसायिक अध्ययन के आज के इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। आज हम एक बार रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर 3 निजी सार्वजनिक और भूमंडलीय उपक्रम। देखिए, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होते क्या हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का क्या क्या प्रारूप है, सार्वजनिक उपक्रम का बदलता स्वरूप जो इस समय है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां और इनके लक्षण क्या हैं, संयुक्त उपक्रम के प्रकार, लक्षण, लाभ और सार्वजनिक निजी साझेदारी। तो सबसे पहले व्यापार के जितने भी विभिन्न स्वरूप हैं, छोटे व्यापारी हमें आसपास दिख जाते हैं, विभिन्न व्यापारिक क्रियाओं में लिप्त छोटे स्टोर जो किसी कंपनी ने खोल रखे हैं, ऐसे व्यापारिक संस्थान जो व्यक्तियों द्वारा मिलकर चलाए जाते हैं, साझेदारी, सभी निजी उपक्रम के स्वरूप हैं। कुछ अन्य संस्थाएं भी हैं जो सरकार के आधिपत्य से चलती हैं, जैसे कि जिन पर सरकार का नियंत्रण और स्वामित्व होता है, इन्हें सार्वजनिक उपक्रम कहा जाता है। रेलवे एक ऐसी ही संस्था है जो पूर्ण रूप से सरकारी नियंत्रण वाली है। शहर के पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ विभाग द्वारा संचालित किए जाते हैं, यह भी सरकारी नियंत्रण में है। परंतु वर्तमान में विभिन्न कुरियर सेवाओं की संस्थाओं के आ जाने के बाद सरकारी पोस्ट पर हमारी निर्भरता कम होती जा रही है। ऐसी कंपनी जिनका व्यवसाय एक से ज़्यादा देशों के व्यापारियों के साथ होता है, वह बहुराष्ट्रीय कंपनियां मानी जाती हैं। इस प्रकार के व्यवसाय एक व्यक्ति या कई कंपनियों तथा एक कंपनी पूरे विश्व में व्यापार कर सकती है। हम यूँ कहें कि व्यापार एक व्यक्ति, कई कंपनियां तथा एक कंपनी पूरे विश्व में व्यापार कर सकती है। यह अध्याय बताता है कि किस प्रकार के से अर्थव्यवस्था दो भागों में बटी हुई है। यानी कि जो हम इस अध्याय में अध्ययन करने वाले हैं, ये अर्थव्यवस्था को दो हिस्सों में बांटती है। पहला तो जो अर्थव्यवस्था है वो निजी क्षेत्र और दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र। निजी क्षेत्र में एकल स्वामित्व तो यानी एकाकी व्यापारी आते हैं, स्थानीय फुटकर व्यापारी, साझेदारी फर्म, संयुक्त हिंदू परिवार, सहकारी समितियां, बहुस्कंद कंपनी जिन्हें आप ज्वाइंट स्टॉक कंपनी भी बोलते हैं, और बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ जो एक देश से ज़्यादा देशों में अपना व्यापार करती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में विभागीय संस्थाएं आती हैं, सार्वजनिक निगम आते हैं और सरकारी कंपनियां आती हैं। आइए हम बारी बारी से बात करते हैं। देखिए, जो व्यापारिक संस्थाएं हैं मानव जीवन को और अर्थव्यवस्था को, देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती ही हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था निजी और सरकारी दोनों संस्थाओं का सम्मिश्रण है, इसीलिए इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था दो क्षेत्रों में कार्यरत है, एक तो निजी क्षेत्र में और दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र में। निजी क्षेत्र का नियंत्रण एक व्यक्ति या व्यक्तियों के हाथ में रहता है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र का संचालन सरकार करती है। सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व राज्य सरकार या केंद्र सरकार या मिश्रित रूप से दोनों के पास होता है। इस प्रकार से सरकार आर्थिक क्रियाओं में खुद भाग लेती है। निजी व सार्वजनिक क्षेत्र के व्यापार का नियमन सरकार समय समय पर करती रहती है। 1948 में औद्योगिक नीति आई, उसने उद्योगों के का विकास सुनिश्चित किया। 1956 में औद्योगिक नीति में वृद्धि दर और औद्योगिकरण के उद्देश्य निर्धारित तय कर दिए गए। व्यवसाय के बहुत से क्षेत्र सार्वजनिक उपक्रमों के लिए आरक्षित थे। निजी उपक्रम सार्वजनिक उपक्रम के क्षेत्र में लाइसेंस लेकर ही प्रवेश कर सकते थे। उस समय 1956 और 1948 सर्वाधिक सार्वजनिक क्षेत्र की प्राथमिकता विकास के मार्ग में व्यवधान थी, यानी कि बहुत ज़्यादा सार्वजनिक क्षेत्र हर तरह पे अगर प्राथमिकता में रखे जा रहे थे तो उससे विकास की जो दर थी वो बहुत धीमी थी, मंद थी। तो लंबे समय तक सरकारिक जो सार्वजनिक क्षेत्र था वो प्राथमिक रहा। 1991 में सरकार ने उदारीकरण और वैश्विक नीति अपनाई। उदारीकरण का मतलब है कि जो निजी सेक्टर के लोग थे उनके ऊपर सरकार के नियम कम से कम लगें, थोड़ी सी कम सख्ती के साथ लगें। उदार का मतलब होता है जैसे आप घर में चीनी मिट्टी के बर्तन में चाय लेके आ रहे थे और अचानक आपका पैर फिसला और चाय नीचे गिरी, चीनी मिट्टी का जो कप था और जो केतली वगैरह थी वो टूट गई, तो यहाँ पे आपकी मम्मी का जो बर्ताव आपके प्रति है वो मान लिया बहुत ज़्यादा गुस्सा करें और यहाँ तक कि आपकी पिटाई भी लगा दें, तो ये बड़ा सख्त व्यवहार है। लेकिन वहीं पर अगर वो कहें कि कोई बात नहीं बेटा, गलती हो जाती है, आगे से ध्यान से ये काम करना, तो ये उदारीकरण है। उन्होंने आपको कोई बहुत सख्ती आपके ऊपर नहीं की, तो ये उदार व्यवहार है उनका, ठीक है। तो उदारीकरण में आप सरकार के तौर पे कंपनियों के ऊपर जो नियम होते हैं उनमें थोड़ी सी ढील देते हैं, सख्ती में थोड़ी ढील देते हैं, तरह तरह की सब्सिडी और प्रोत्साहन देते हैं उन्हें। गलती हो जाने पर भी उन्हें सबक सिखाने के लिए कुछ आंशिक रूप से दंड भरे लगाए जाएँ, अदरवाइज़ उन्हें माफ़ किया जाता रहता है।
तो ये उदारीकरण है जहाँ पे सरकारों ने लाइसेंस कम से कम क्षेत्र के लिए सीमित कर दिए, तमाम तरह के मोटिवेशन के लिए सेज यानी कि स्पेसिफिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किए गए। और वैश्विक नीति का मतलब है कि जब आप एक राष्ट्र तक सीमित नहीं रहते हैं, पूरी दुनिया तक अपने प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, तो पूरी दुनिया को आपको अपने यहाँ भी प्रोडक्ट बेचने के लिए इनवाइट करना होगा। ये वैश्विक नीति का हिस्सा है। सरकार ने 1991 की जो उद्योग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जिसे बोलते हैं NEP, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP बहुत चर्चा में है इस समय, लेकिन वो ये तो NEP ये भी है, लेकिन वो NEP न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी, नई आर्थिक नीति जो 1991 से लागू हो गई देश में। तो कुछ ही ऐसे क्षेत्र थे जिसमें लाइसेंस लेना रह गया था, जैसे कि रक्षा और युद्ध से संबंधित ज़रूरी क्षेत्र, एकाधिकारी प्रतिबंधात्मक व्यापारिक कार्यवाही अधिनियम MRTP से बोलते हैं, मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, तो इसमें संशोधन किया गया और इसके विस्तार की सीमा बढ़ा दी गई। तो बहुत संक्षेप में कुछ बातें यहाँ पर बताई गई हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा जो मैं बोल रहा हूँ, अगर आप उसे सुन भी लेंगे, समझ भी लेंगे, तो आपको निश्चित रूप से ये बातें आ जाएंगी। निजी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो हम पिछले अध्याय में पहले ही पढ़ चुके हैं, अब हम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर ध्यान देंगे। सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे पहले आते हैं विभागीय उपक्रम, फिर वैधानिक निगम आएंगे और फिर सरकारी संपत्तियाँ। तो हम चलिए सरकारी संपत्ति लिखा है, सरकारी कंपनी आएंगी, तो चलिए हम बात करते हैं विभागीय उपक्रम के, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। प्राचीन समय में यही रूप सर्वाधिक प्रचलित था। एक उपक्रम या मंत्रालय या सरकार के किसी एक विभाग के समुचित नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करता है। ये केंद्र सरकार या राज्य सरकार के एक मंत्रालय के समुचित नियंत्रण में कार्य करते हैं, यानी कि सरकार का ही एक भाग होते हैं। ये सरकारी कर्मचारियों के द्वारा संचालित होते हैं, जिन्हें सरकारी कर्मचारी कहा भी जाता है। विभागीय उपक्रमों को आज भी सरकारी खजाने में ही जमा कराया जाता है, विभागीय उपक्रमों से होने वाली आय को। इसका उदाहरण है रेलवे विभाग, ठीक है? तो रेलवे विभाग विभागीय उपक्रम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का एक उदाहरण। लक्षण क्या है इसके, आइए जानते हैं। लक्षणों में सबसे पहली बात, इस उपक्रम के लिए धन कोष सरकार देती है, इसकी आय भी सरकारी कोष में जमा हो जाती है, कार्यों का लेखा जोखा किया जाता है, अंकेक्षण भी होता है। यह सरकारी गतिविधियों को भी प्रभावित करते हैं। आपने देखा होगा कि सरकार के बजट में भी रेलवे का पूरा जिक्र होता है। पहले तो रेलवे बजट ही अलग से प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन अभी NDA गवर्नमेंट लेड, नरेंद्र मोदी लेड NDA गवर्नमेंट ने अभी क्या करा कि उन्होंने जो रेलवे का अलग से बजट आता था, उसको जो जनरल बजट है उसी में शामिल कर लिया। वैसे शामिल होता था, लेकिन अब उसका एक्सप्लेनेशन उसी में दिया जाता है। तो सरकारी कर्मचारियों का चुनाव, कार्यों की शर्तें सरकार अन्य उपक्रम की तरह ही निर्धारित करती है। कर्मचारियों का चुनाव भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के रूप में सरकारी कर्मचारियों की तरह होता है, और इनका स्थानांतरण एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में भी होता रहता है। इस उपक्रम पर सरकार का ही नियंत्रण रहता है, निरीक्षण भी सरकार, इंस्पेक्शन भी सरकार ही करती है। सभी सरकारी कर्मचारी व विभाग विभागीय मंत्रालय के लिए पूरी तरह से जवाबदेह होते हैं। इसके गुणों की अगर हम बात कर लें तो विभागीय उपक्रम के कार्यों की संसद में चर्चा की जा सकती है, इसलिए ये जनता के प्रति जवाबदेह होती हैं। विभागीय उपक्रम की आय सरकारी कोष में जमा की जाती है, जो सरकारी आय को बढ़ाते हैं। गोपनीयता के कारण अधिक संवेदनशील क्षेत्र जैसे सुरक्षा विभाग एक विभागीय उपक्रम के रूप में कार्य कर रहा है। उपक्रम की आय का उचित उपयोग होता है, साथ ही आय का अंकेक्षण भी किया जाता है। अवगुण क्या है? अत्यधिक सरकारी नियंत्रण के कारण उपक्रम के संचालन में लोचता नहीं रहती, यानी कि इसमें समय के अनुसार जल्दी परिवर्तन नहीं किए जा सकते हैं। उपक्रम जिस राज्य में संचालित है उसकी सरकार की अनुमति के बिना कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता, इससे निर्णय लेने में देरी होती है। नवीनीकरण, पहले करने की शक्ति और तुरंत प्रक्रिया आदि, जो एक सामान्य उपक्रम की वृद्धि के लिए अति आवश्यक है, इन सबका विभागीय उपक्रम में कोई महत्व तो नहीं होता। यानी कि यहाँ नवीनीकरण बहुत दूर की कौड़ी है, उसका ज़्यादा महत्व तो नहीं होता। विभागीय उपक्रम का प्रबंध सरकारी अधिकारियों द्वारा होता है, इन अधिकारियों पर कागजी कार्रवाई बहुत होती है, स्थानांतरण होने के कारण जवाबदेहिता निश्चित नहीं हो पाती। विभागीय उपक्रमों को आय का उपयोग करने की शक्ति नहीं होती है, ये केवल आय कमा सकते हैं, जमा करेंगे राजकीय खजाने में, तो कोई प्रलोभन देकर कर्मचारियों से कार्य नहीं कराया जा सकता। ये इसका मतलब ये कि आप सोचें कि इन्हें आप इंसेंटिव वगैरह दे देंगे, कर्मचारी काम कर दें,
तो ये अपनी पद्धति से ही काम करेंगे, यहाँ नौकरशाही पूरी तरह से लागू हो जाती है। तो विभागीय उपक्रम के गुण और अवगुणों को अगर देखें तो इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह के उपक्रम के लिए विभागीय उपक्रम उपयुक्त हैं। सुरक्षा के लिए जहाँ अत्यधिक गोपनीयता की जरूरत हो, प्रसारण के लिए इस प्रकार के उपक्रम के लिए भी विभागीय उपक्रम उपयुक्त हैं। वायुयान, लोहा, इस्पात का निर्माण, इन सब चीज़ों के लिए भी विभागीय जो उपक्रम है ये ठीक है। बात आती है सार्वजनिक निगम की, वैधानिक निगम की। इसको कई बार जिक्र किया जा चुका है, एक विशेष संसदीय अधिनियम के द्वारा इनका जन्म होता है। जैसे LIC का जन्म LIC एक्ट 1956 के अंतर्गत हुआ, अधिनियम के द्वारा ही इसके अधिकार, ये LIC का जन्म दरअसल 1956 नहीं है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, इंश्योरेंस एक्ट आया था 1934 में। हाँ, LIC का 1956 में ही हुआ है, राइट। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अधिनियम के द्वारा इसके अधिकार, कर्तव्य व नियमावली तय की जाती है। इसके संचालक मंडल में व्यवहारिक, व्यावसायिक कुशल और सरकार द्वारा चुने गए समूह के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। सार्वजनिक निगम लालफीताशाही से स्वतंत्र होते हैं। लालफीताशाही का मतलब होता है, ये नौकरशाही का एक दोष है। पहले जो फाइलें थीं वो लाल फीते में लाल रंग के कपड़े से बांध करके ऐसे रखी जाती थीं, ठीक है, और वो फाइलें किसी कैबिनेट में पड़ी सड़ती रहती थी, धूल धूसरित होती रहती थी, लेकिन जब तक घूस नहीं मिलती थी तब तक बड़े अधिकारी उसे आगे फॉरवर्ड नहीं करते थे, यानी कि डिले इन वर्क। ये लालफीताशाही इससे इस शब्द से कहीं ना कहीं प्रतिबिंबित होता है। तो सार्वजनिक निगम जो होते हैं इनमें लालफीताशाही नहीं होती है, ऐसा माना जाता है। कर्मचारी की भर्ती, पारिश्रमिक संबंधी सार्वजनिक निगम के अपने नियम होते हैं। यह निगम कर्मचारियों को बनाए रखने के लिए अधिकारियों को विभिन्न सुविधाएं और सेवाओं की आकर्षक शर्तें भी प्रदान कर सकता है। इनके उदाहरण में इंडियन एयरलाइन, एयर इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय खाद्य निगम, तेल व प्राकृतिक गैस निगम वगैरह इसमें शामिल होते हैं। सार्वजनिक निगम के लक्षण देखिए, इसमें क्या क्या इसके लक्षण हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से। पहला लक्षण है, वैधानिक निगम संसद या राज्य विधान मंडल के अधिनियम द्वारा तैयार किए जाते हैं, यानी कि कोई एक्ट पारित किया जाएगा या तो संसद के द्वारा, किसी राज्य विधान मंडल के द्वारा, किसी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ये अधिनियम जो होंगे इन्हीं के द्वारा इन सार्वजनिक निगमों की स्थापना होगी। इनकी शक्तियाँ, उद्देश्य, सीमाएँ सारी की सारी इन्हीं अधिनियमों द्वारा तय की जाएंगी। राज्य ही इनके क्रिया कार्यकलापों के लिए उत्तरदायी होता है व लाभ हानि वहन करता है, कोई व्यक्ति नहीं। वैधानिक निगम होने के कारण यह किसी पर भी वाद या अन्य कोई भी इन पर वाद कर सकते हैं। यह अपने नाम से संपत्ति भी रख सकते हैं। यह उपक्रम स्वायत्तता का आनंद लेते हैं, सरकार से यह ऋण ले सकते हैं, जनता को भी उधार दे सकते हैं, अपनी सेवाओं द्वारा आय उत्पन्न कर सकते हैं, अपनी आय का या स्वयं प्रयोग भी कर सकते हैं। जबकि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को अपनी आय सरकारी का कोष में जमा करनी होती है। खैर यहाँ ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होते हैं, इन्हें ऑटोनोमस बोला जाता है, स्वायत्तता, पूर्ण स्वायत्त। सरकारी विभाग के समान इनका लेखा जोखा नहीं होता, ना ही अंकेक्षण की प्रक्रिया सरकारी विभाग की तरह होती है। इनका बजट भी सरकारी बजट से इनका कोई लेना देना नहीं होता है। इनके कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं कहलाते। इनके कर्मचारियों का चयन सेवा अधिनियम के नियमों के अनुसार होता है। इस उपक्रम के नियंत्रण के लिए कभी कभी सरकारी अधिकारियों को चयनित किया जा सकता है। वैधानिक निगम के लाभ क्या क्या हैं? यह उपक्रम सरकारी नियंत्रण से बाहर होता है, अतः स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सकता है। इनका सरकारी बजट से कोई सरोकार नहीं होता, तो सरकार भी इनके वित्तीय मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती। यह स्वायत्त उपक्रम होते हैं, स्वायत्त मीन्स ऑटोनोमस, यानी कि अपने लेवल पे स्वयं संचालित, अपनी नीति और नियम स्वयं ही बनाते हैं। इनके नियम अधिनियम के अंतर्गत ही होते हैं। किसी भी मामले को मंत्रालय द्वारा सुलझाया भी जा सकता है, मंत्रालय द्वारा ही सुलझाया जा सकता है, यानी कि मंत्रालय ही इनके विवाद को, किसी भी वाद विवाद को सुलझाएगा। इसके संचालक मंडल व्यावसायिक मामलों में कुशल होते हैं, देश को आर्थिक रूप से अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने में ये काफ़ी सहायक होते हैं। भेल सेल इसी के उदाहरण हैं। वैधानिक उपक्रम के दोष भी हैं, कुछ ध्यान से सुनेगा। सार्वजनिक उपक्रम की स्वतंत्रता केवल कागजों पर ही होती है, वास्तव में अधिनियम सरकारी नियंत्रण में ही तैयार किए जाते हैं, अतः प्रत्यक्ष रूप से सरकार हस्तक्षेप करती रहती है। अधिनियम के अंतर्गत उपक्रम को निर्माण करने से संशोधन भी विधान और अधिनियम के अंतर्गत ही होता है, यानी कि संशोधन एक दीर्घकालीन प्रक्रिया होती है।
अगर आपको इसमें कहीं कुछ सुधार करना है तो पहले आपको विधेयक पारित करना पड़ेगा संसद भवन में, जो कि अपने आप में बहुत कठिन काम है, लंबा काम है, लंबे समय लेने वाला काम है। सार्वजनिक निगम की हानियां उसे स्वयं वहन करनी पड़ती हैं, अतः हानि की पूर्ति के लिए या तो सरकार को ये बाध्य करेगी या अपनी सेवाओं की कीमत बढ़ा देगी। इस उपक्रम को सरकार से नियमित अनुदान की आवश्यकता होती रहती है। सरकारी कंपनियां, सरकारी कंपनी किसी भी दूसरी कंपनी की तरह कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत आती है। इसका निर्माण इससे पूर्व के भी किसी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हो सकता है या पूर्ण रूप से व्यावसायिक उद्देश्य के लिए होती है। इसमें कम से कम चुकता अंश पूंजी का 51% केंद्र राज्य सरकार के पास, पूर्ण या आंशिक रूप से केंद्र या राज्य सरकार के पास होना चाहिए। एक सरकारी कंपनी एक निजी कंपनी की तरह या सार्वजनिक कंपनी जो सीमित दायित्व रखती है बन सकती है। इसके निदेशकों के चयन व सेवानिवृत्ति के लिए व अन्य अधीक्षकों के लिए कुछ निश्चित प्रावधान होते हैं। कंपनी की दत्त पूंजी पर सरकारी नियंत्रण होता है। राष्ट्रपति के नाम से अंश क्रय किए जाते हैं। सरकारी कंपनी का प्रबंध सरकार और दूसरे अंशधारियों द्वारा चुने गए संचालक मंडल द्वारा किया जाता है। सरकार के साथ अधिकतम संचालकों को नियुक्त करने का अधिकार होता है। सरकार के पास अधिकतम संचालकों को नियुक्त करने का अधिकार होता है। चलिए लक्षणों की बात करते हैं। सरकारी कंपनी के क्या क्या लक्षण हैं। एक सरकारी कंपनी कंपनी अधिनियम 2013 या इससे पूर्व किसी कंपनी के अधिनियम के अंतर्गत बनाई जाएगी या अन्य कंपनियों की तरह किसी भी तरह का किसी अन्य पर दावा कर सकती है। अन्य कंपनियों की तरह यह भी किसी अन्य पर दावा कर सकती है, मतलब केस कर सकती है। अन्य कंपनियों की तरह इसका भी पंजीकरण कराया जाता है तथा सरकार एक विशेष प्रस्ताव पारित करके इसे कुछ रियायत भी दे सकती है। सरकारी कंपनी पूर्ण या आंशिक रूप से सरकार द्वारा संचालित होती है। एक सरकारी कंपनी मंत्रालय नियंत्रण के अधीन होती है। संबंधित मंत्रालय ही कर्मचारियों के लिए दिशा निर्देश जारी करता है। यह कंपनी कई प्रवृत्तियों को निर्गमित कर पूंजी में वृद्धि कर सकती है। कंपनी की वृद्धि व विस्तार के लिए कंपनी की आय खर्च की जा सकती है। सरकारी कंपनी का अंकेक्षण केंद्र सरकार द्वारा चयनित होता है तथा वार्षिक प्रतिवेदन संसद या राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है और उस पर चर्चा की जाती है। गुणों की बात करें तो सरकारी कंपनी अन्य कंपनियों की भांति ही तैयार की जाती है। इसके लिए संसद में विशेष अधिनियम की आवश्यकता नहीं। यह सरकार की आम देख रेख में स्वतंत्रता पूर्वक आसानी से कार्य कर सकती है। अपने प्रबंधकीय निर्णय स्वयं ले सकती है। कंपनी अपने उत्पाद और सेवाएं सस्ते दरों पर प्रदान कर सकती है। दोष क्या है? सरकारी कंपनी मंत्रालय के हस्तक्षेप के कारण मंत्रियों की व्यक्तिगत संपत्ति समझी जाती है, अतः इसकी व्यापारिक नीतियां मंत्रियों की इच्छा पर निर्भर करती है। वास्तविकता में सरकार मुख्य अंशधारी होती है तो वह अपनी मनमानी भी करती है। सरकारी कंपनी संसद को प्रत्यक्ष रूप से जवाबदेह नहीं होती। इस कंपनी की मुख्य अंशधारी सरकार ही होती है, अतः सर्वे सर्वा भी सरकार ही होती है, अतः यह कंपनियों की तरह पेशेवर तरीके से काम नहीं कर पाती। चलिए तुलना करते हैं विभिन्न सरकारी उपक्रमों के गठन की। अगर बात करें तो विभागीय उपक्रम मंत्रालय के सरकारी विभाग इसका निर्माण करते हैं और इसका विधान सार्वजनिक उपक्रम का जो निर्माण है ये संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा किसी पारित अधिनियम के द्वारा होता है। कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकरण होते ही इसका निर्माण होने हो सकता है। इसके बाद के भी किसी अधिनियम के द्वारा इसका निर्माण होगा। अगर बात करें वैधानिक अस्तित्व की तो इसका कोई भी पृथक कानूनी अस्तित्व नहीं होता। इसका पृथक कानूनी अस्तित्व है और इसका पृथक कानूनी अस्तित्व है किसका? सरकारी कंपनी का भी। वित्त व्यवस्था की अगर बात करें तो सरकार बजट में इन विभागों के लिए वित्त की व्यवस्था करती है। सरकार से वह स्वतंत्र रूप से ये वित्त की व्यवस्था कर सकती हैं या सरकार को 51% अंश देती है तथा पृथक वित्त व्यवस्था भी कर सकती है। प्रबंध व नियंत्रण, संबंधित मंत्रालय व सरकारी अधिकारी कंपनी का प्रबंध व नियंत्रण करते हैं। सरकारी संसदीय नियंत्रण द्वारा चुने गए सदस्यों का संचालक मंडल संस्था का नियंत्रण करते हैं। संचालक मंडल व निजी व्यक्ति दोनों ही संचालन कर सकते हैं वह नियंत्रण करते हैं। जवाबदेहिता बहुत बढ़ जाती है। इसकी जवाबदेहिता संसद के लिए होती है और यह जिस मंत्रालय से संबंधित होती है उसी की जवाबदेही होती है। प्राथमिकता, यह प्रायः डाक और तार विभाग संचार प्रसार में प्रयोग में आती हैं। औद्योगिक उपक्रम या वाणिज्यिक उपक्रम में इस तरह की कंपनियाँ उपयोग में आती हैं जिन्हें वैधानिक कंपनी भी कहा जा सकता है। और इनकी अगर बात करें तो जिन संस्थाओं के लिए निजी पूंजी की आवश्यकता हो वहाँ इस प्रकार की कंपनी आते हैं जिसमें 51% की पूंजी सरकार की और बाकी 49% तक का निजी सेक्टर से लिया जा सकता है। कर्मचारियों की अगर हम बात करें, इस प्रारूप के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी कहलाते हैं। इस प्रारूप के कर्मचारी सरकारी नहीं कहलाते, कर्मचारियों के साथ पृथक अनुबंध किया जाता है। इनके
कर्मचारी सरकारी कर्मचारी ना होकर सामान्य कर्मचारी होते हैं तथा इनके साथ भी संगठन का अनुबंध होता है। स्वतंत्रता, यह संगठन पूर्ण रूप से सरकारी नियंत्रण में रहते हैं अथवा स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाते। इनमें कुछ स्वतंत्रता रहती है क्योंकि सरकारी तंत्र नित्य के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते। सरकारी हस्तक्षेप से कुछ स्वतंत्रता अधिक रहती है। सुगमता, कार्य करना बहुत सुगम नहीं होता। कार्य करने में हस्तक्षेप ना होने के कारण सुगमता रहती है और यह कम लचीले होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, सार्वजनिक क्षेत्र की परिवर्तनशील भूमिका, चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। सरकार जो है उसका रोल लगातार बदल रहा है। व्यवसाय के प्रत्येक प्रारूप के अपने गुण अवगुण होते हैं। व्यवसायिक क्रियाओं के अनुसार ही इन प्रारूपों का चुनाव करते हैं। सार्वजनिक उपक्रम भी देश के आर्थिक विकास में अपना विशेष स्थान रखता है। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं की मुख्य भूमिका रही है, क्योंकि निजी उपक्रम प्रायः लाभ के लिए संगठित किए जाते हैं। अतः पिछड़े क्षेत्र के लिए सार्वजनिक उपक्रम लगाए जाते हैं जिसमें पिछड़े क्षेत्र का विकास हो सके। सार्वजनिक क्षेत्र में पंचवर्षीय योजना का बहुत महत्व है। 1991 में नई आर्थिक नीति लाई गई और जिसमें वैश्वीकरण, उदारता, निजीकरण पर जोर दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व तो बहुत कम हो गया, निजी क्षेत्र के उपक्रम आगे आए। सार्वजनिक क्षेत्र में भी लाभ व हानि का ब्यौरा देखा जाता है। यदि कोई सार्वजनिक इकाई लगातार हानि में जा रही है तो उसे BIFR बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन के संज्ञान में लाया जाता है। ये वो बोर्ड है जो इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल यानी औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन के लिए बनता है और इसी के संज्ञान में लाया जाता है। यहाँ पर यह विचार किया जाता है कि उसके उत्थान के लिए क्या क्या किया जा सकता है, उसे आगे फिर से पुनर्गठित किया जा सकता है या उस इकाई को बंद किया जाना ही उचित होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में एक संतुलन की आवश्यकता अनुभव की गई थी। किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था न तो पूरी तरह से समाजवादी हो सकती है न पूंजीवादी। सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए। 1991 से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सरकारी नीति कुछ अलग तरह से हो गई। इसमें क्या हुआ, उन्नत सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की पुनर्संरचना की गई। ऐसे सभी सार्वजनिक क्षेत्रों को बंद कर दिया गया जो रुग्ण थे यानी कि लॉस में चल रहे थे। कर्मचारियों के हित को महत्व दिया गया। सभी गैर रणनीतिक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में समता 26% या इससे कम कर दी गई। बुनियादी ढांचे का विकास, नई अर्थव्यवस्था के साथ निजी उद्यमों के लिए बुनियादी ढांचों की परियोजनाओं में बड़ी राजधानियों का निवेश करना उचित नहीं था। सभी अकुशल इकाइयों में सरकार का 26% तक अंश निश्चित तय कर दिया गया। 1958 की औद्योगिक नीति एक दूसरी आई, उसमें 17 उद्योग जो थे वो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। 1991 में 8 तथा 2001 में इन्हें 3 कर दिया गया। इन 3 का नाम है अणुशक्ति, हथियार और रेल, ठीक है, परमाणु बम और हथियार और रेल। ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, बहुत ही आधुनिक तकनीक का प्रयोग तथा जिन उद्योगों के लिए बड़ी प्रभावी और औद्योगिक संगठन की आवश्यकता होती थी। जिन क्षेत्रों में निजी क्षेत्र विनियोग नहीं करना चाहते थे वहाँ सार्वजनिक क्षेत्र ने विनियोग किया था। ये वही क्षेत्र थे, परमाणु शक्ति, अणुशक्ति जिसे बोलेंगे एटॉमिक एनर्जी, ऑर्डिनेंस सेक्टर एंड रेलवेज। रेलवे में भी बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, रेलवे की पटरियां बिछाने में, रेलवे के वैगन्स बनाने में। क्षेत्रीय असंतुलन, देखिए बुनियादी ढांचे का विकास ये प्रमुख उद्देश्य था बेसिकली, इसी वजह से ऐसा हुआ। दूसरा, क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना। जब हम आज़ाद हुए तो कई क्षेत्र ऐसे थे जो काफ़ी विकसित थे हमारे और कई क्षेत्र बहुत पिछड़े हुए थे, तो पिछड़े हुए क्षेत्रों का भी समान विकास हो जाए इस उद्देश्य से ऐसे अविकसित या कम विकसित जो क्षेत्र थे वहाँ पर उद्योग धंधे लगाए गए। ये सरकार ही कर सकती थी क्योंकि ऐसी जगहों पे लाभ की संभावना कम रहती, क्योंकि वहाँ बिजली, सड़क, पानी, पावर, इनकी व्यवस्था कम होती थी। सरकार इनकी व्यवस्था स्वयं जो है करने में सक्षम होती है, इसीलिए यहाँ पे सार्वजनिक उपक्रमों की आवश्यकता पड़ी। किसके लिए, क्षेत्रीय संतुलन लाने के लिए। वित्तीय पुनर्गठन, फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग, जिन क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता हो वहाँ सार्वजनिक क्षेत्र को लाया गया, लाभ उठाया गया, जैसे बिजली के प्लांट लगाना, प्राकृतिक गैस का प्लांट, पेट्रोलियम वगैरह। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अंशों का विनिवेश, विनिवेश का मतलब होता है डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि जो अंश आपके पहले से उन्हें बेचना। विनिवेश से तात्पर्य है निजी कंपनी और जनता को सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के समता अंशों का विक्रय कर देना। सार्वजनिक क्षेत्र की सीमा है कि इनका प्रबंधन कमजोर होता है और इसके लिए निजी संस्थान का प्रबंधन अधिक बेहतर माना जाता है। अतः सार्वजनिक क्षेत्र जिन संस्थानों पर अपना अंश अधिक रखती थी
उसने अपना अंश कम करके निजी क्षेत्र को अंश बढ़ा दिया। इससे सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की प्रबंध कुशलता में सुधार आएगा ऐसा माना गया। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में विनिवेश का कारण सार्वजनिक क्षेत्र के अंश को गैर लाभ जनित उद्योगों में से कम करके निजी क्षेत्र अंश को बढ़ाना था। साथ ही सरकारी अंश कम होने से सरकारी नियंत्रण को भी कम करना था। सरकारी अंश इन उद्योगों में कम हो तो वह अंश शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी चीज़ों में लगे। देखिए, गुणवत्ता का संबंध जो है निजी सेक्टर से माना जाता है। आपने सुना होगा कि कोई विशेष रेलवे स्टेशन है जिसे किसी निजी कंपनी ने गोद ले लिया है, तो वो रेलवे स्टेशन भी एयरपोर्ट जैसे चमकने लगे। ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ, ये बात आपको शायद ये समझ में आ रही होगी कि गुणवत्ता निजी सेक्टर में मिलती है। इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि आप किसी सरकारी अस्पताल में एंट्री लीजिए और अगले दिन आप किसी निजी अस्पताल में एंट्री लीजिए, अंतर आपको समझ में आ जाएगा गुणवत्ता का। तो सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के अंशों का विनिवेश इसीलिए किया गया, जहाँ जहाँ आपको लगता था कि सादा पैसा चाहिए या प्रबंधन भी बेहतर करना है, तो वहाँ वहाँ आपने जो सरकारी सेक्टर के जो अंश थे वो निजी सेक्टर में या निजी क्षेत्र के लोगों को देना शुरू कर दिया। ये माना गया कि जो उससे पैसा बचेगा डिसइन्वेस्टमेंट से, उसे शिक्षा और स्वास्थ्य वगैरह में लगाया जाएगा। बीमार इकाइयों को समाप्त करना, टर्मिनेशन ऑफ सिक यूनिट्स, जो सार्वजनिक उपक्रम बीमार थे या लाभ में नहीं थे उनका उद्धार करना, यदि यह ना हो पाए तो इन इकाइयों को बंद कर दिया जाए। इन इकाइयों को बंद करने का अर्थ कर्मचारियों का रोजगार छिन जाना था, इसलिए इनका विरोध होने लगा। इन कर्मचारियों को ऐच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाएँ दी गई और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कोष स्थापित किया गया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र को स्वायत्तता प्रदान की गई तथा उन संस्थाओं को कार्यात्मक स्वतंत्रता सौंपी गई जिसमें वे कुशल तरीके से कार्य कर सकें, परंतु यह अपने कार्यों के प्रति जवाबदेह भी होते हैं। MOU प्रशासनिक मंत्रालय और सार्वजनिक उपक्रम के मध्य के संबंध को बताता है कि उनके बीच में संबंध कैसा है। तो चलिए अंतर कर लेते हैं निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में। गठन, निजी क्षेत्र के उद्यम का गठन कई सारी प्रक्रियाएं सम्मिलित करता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का निर्माण सरकारी निर्णय पर आधारित होता है और सरल होता है। प्रबंधन, एक निजी उपक्रम का प्रबंध पेशेवर विशेषज्ञों के निर्णयों पर या संचालक मंडल के निर्णयों पर आधारित होता है। यह सरकारी प्रतिनिधि जो संचालक मंडल हैं के द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं। उद्देश्य, इन उद्देश्यों का उद्यमों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम प्रायः जन समूह के लाभ के लिए बनाए जाते हैं। कार्य की स्वतंत्रता, गैर सरकारी उद्यम होने के कारण इनका स्वामित्व सरकार के नियंत्रण में नहीं होता, अतः सरकारी हस्तक्षेप भी कम रहता है। इन उद्यमों में सरकारी नियंत्रण और राजनीतिक हस्तक्षेप अधिक रहता है। पूंजी, निजी क्षेत्र के उद्यम में पूंजी का निवेश प्रायः स्वामी, लेनदार या निवेशक करते हैं। सार्वजनिक उद्यम में पूंजी का विनियोग सरकार करती है। कर्मचारी, निजी उद्यम के कर्मचारी की नियुक्ति पारिश्रमिक सेवानिवृत्ति तथा नियमावली स्वामियों द्वारा निश्चित की जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के कर्मचारी जनसेवक होते हैं तथा सरकारी प्रबंधों से में ही कार्य करते हैं। जवाबदेहता, निजी क्षेत्र उपक्रम प्रायः सामान्य जन समूह के लिए जवाबदेह नहीं होते, सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम सामान्य जन समूह के लिए जवाबदेह होते हैं और उनकी चर्चा संसद में भी की जाती है। अब बात करते हैं बहुराष्ट्रीय उपक्रम की। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, बहुराष्ट्रीय उपक्रम कल के वीडियो में पढ़ते हैं। बहुत जल्दी मैंने कुछ चीज़ें बताने की कोशिश की हैं, कुछ छूट जाए ना समझ में आए तो दोबारा उसे रिवाइंड करके सुनिए, रिवाइंड नहीं शब्द आएगा, मतलब फिर से सुनिए, और अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएँ ताकि उसका निराकरण अगले वीडियो में किया जा सके। ठीक है, इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ें और अच्छे से अगर आप समझ चुके हों तो आपको इन्हें याद भी करना है, याद करते चलिए और इसी तरह से आप इन चीज़ों को सीख सकेंगे। थैंक यू सो मच।